ओम शांति। आपका प्रश्न है क्या कार्मिक अकाउंट पशु पक्षियों पर भी लागू होता है? बिल्कुल, आत्मा चाहे पशु की हो चाहे पक्षी की हो चाहे कोई भी आत्मा हो, हर आत्मा पर ये कार्मिक अकाउंट लागू होता है। हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है। इसे समझने के लिए हमें बहुत ध्यान से देखना है कि हर आत्मा, हर एक आत्मा की रिकॉर्डिंग कैपेसिटी 5000 ईयर्स है। किसी भी आत्मा का पार्ट एक सेकंड कम या अधिक नहीं हो सकता। परमात्मा का रोल भी 5000 साल का है कि परमात्मा ने भी, वो भी एक आत्मा है कि 5000 साल में कब कब क्या क्या करना है। बाबा भी खुद कहते हैं कि मैं भी ड्रामा अनुसार एक्यूरेट टाइम पर आता हूं, एक सेकंड पहले या एक सेकंड लेट नहीं। जब परमात्मा एक सेकंड पहले या लेट नहीं हो सकते तो कोई अन्य आत्मा कैसे पहले या लेट हो सकते? तो इसी प्रकार पशु पक्षी जीव जंतु सब कार्मिक अकाउंट के अनुसार ही चलते हैं। किस आत्मा को कब कहां पहुंचना है वो वहां पहुंचेगी, क्या करना है वही करेगी। यहां तक मैं एक स्टेप और आगे चल रहा हूं, जिनमें आत्मा नहीं है प्रकृति का प्रत्येक एटम जिसके बाद हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते, वो एटम और हम। यह छोटी सी बात और स्पष्ट कर दूं कि हम एटम को भी लाखवें हिस्से तक और आगे तक भी टुकड़े कर सकते हैं। जितनी भी होम्योपैथिक दवाई बनाई जाती हैं, ये इस बात का प्रमाण है। पहले हम पढ़ते थे कि हम एटम के एटम, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा, जिसके बाद उसके टुकड़े ना किए जा सके, उसे एटम कहते हैं। परंतु हनीमैन ने, जो होम्योपैथिक का सजग जनक कहा जाता है, उसने एक एटम को भी लाखवें हिस्से तक बांटकर दिखाया। उस लाखवें हिस्से में भी एक्यूरेट 5000 ईयर का रोल प्ले किया हुआ है, रोल लिखा हुआ है
कि उसने कब कैसे कहां पहुंचना है। जो पराधीन है, चाहे वायु के द्वारा, चाहे पानी के द्वारा, चाहे प्रकृति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन आने के द्वारा, या आत्माओं के द्वारा, मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतुओं के द्वारा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, उसने भी एक्यूरेट जाना है। वो भी अपने पार्ट में गलती नहीं कर सकता कि मैं नहीं जाता वहां, किसी भी और चीज को चिपक जाए और ना जाए, नहीं। उसने जिस समय वहां जाना है वहां वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो स्पष्ट हुआ कार्मिक अकाउंट नेचर का भी, प्रत्येक एलिमेंट का भी, प्रत्येक आत्मा का भी एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि ये ड्रामा एक्यूरेट है। ये अद्भुत लाइनें परमपिता परमात्मा ने हम सबको दी हैं। इन अद्भुत लाइनों को बहुत ध्यान से समझना है। ये अद्भुत रहस्य है जो बाबा ने हमें दिया है। वो अद्भुत रहस्य क्या है कि आप यहां पहली बार ही नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर, इसी समय, इसी प्रकार से आए थे, अब आए हैं, और हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति, दोबारा से वैसे का वैसे होना है, और अनगिनत साल से यह पाठ हर 5000 साल बाद हूबहू चल रहा है, जिसके लिए बाबा ने कहा कि ये चिड़िया उड़ी, फिर ये 5000 साल बाद ऐसे उड़ेगी। ये बात समझ में आ जाए तो कार्मिक अकाउंट पर कोई क्वेश्चन खड़ा ही नहीं हो सकता। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।